Good afternoon to everyone. Every child is like a plant. If plant is growing, growing and developed carefully and nurtured by a gardener, it will become a good and produce a good, better food for the future. Like the same, if we have to provide good training to the children from their earliest childhood, they become a mindset and focus one. So we are here for the same. I ensure that and interested you that our student of today, tomorrow will become a carry forward the motto of love and unity in their hand at the Inventure Education Public School run by the Sri Mahesh Education Society. Do the work with the intention, not due to compulsion. And my best of luck and best wishes with my student and with the love and blessings from the decks of Inventure Education Public School run by Sri Mahesh Education Society. Thank you. एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इन्वेंचर पब्लिक स्कूल का जो शुरुआत हुआ था, तीन उद्देश्यों के लिए हुआ था, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। मैं समझता हूँ इन तीनों उद्देश्यों को ये स्कूल बखूबी निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, CA के कोर्स किए हैं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर खेल कूद का अच्छा आयोजन किया जाता है, हर टाइप का यहाँ पर एक्टिविटी होती है। अभी इस एक्टिविटी में प्ले स्कूल भी चालू कर रहे हैं और संस्कार के लिए भी यहाँ जो भी आता है वो बोलता है कि यहाँ बच्चे संस्कारी हैं। इस स्कूल को बहुत ही अच्छे तरीके से खोला गया था। इसका उद्देश्य इस कुरुद की पावन धारा में जन्म लिए तो इसके जन्म का कर्ज निभाने के लिए और एक अच्छा कुरुद में एटमॉस्फेयर तैयार हो, इसके लिए किया गया था। कोरोना काल में जिस बच्चे के माता पिता या पिता आफ हुए, यदि वो सक्षम नहीं था तो उसका पूरा फीस माफ किया गया था। विदाउट फीस उस बच्चे को यहाँ एजुकेशन प्रदान किया गया। इसके पश्चात अभी एडमिशन फीस टोटली फ्री है, किसी भी बच्चे के एडमिशन फीस देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जितना सरकारी स्कूल में पढ़ने में खर्च आता है, लगभग उसी खर्चे में यहाँ ये स्कूल संचालित हो रहा है। आगे भी इस स्कूल से जो भी हो सकेगा भरसक प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। श्री महेश एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इन्वेंचर एजुकेशन स्कूल की ओर से आज का जो मेरा मैसेज है वो स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए है। अपने बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए। लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे उनके इंटरव्यू के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपके घर में कोई भी इवेंट होता है, से एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ कोई बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए एक फूल वाला, एक डेकोरेशन वाला, एक कैटरर, एक गेस्ट लिस्ट, ये सारे काम उनको थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ में आप इन्वॉल्व कीजिए या कोई एक काम उनको इंडिपेंडेंट दे दीजिए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर एक जिम्मेदारी आएगी। ये तो मैंने दिया एक छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे बहुत से
होता क्या है कि बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एक बैंक का पासबुक कैसे अपडेट करवाना है, एक बैंक का कैश कैसे डिपॉजिट करना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे जाके जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपकी सिर्फ एकेडमिक स्किल काम नहीं आएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मैनेजमेंट स्किल और आपकी लीडरशिप स्किल, सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा, तभी आपका एक बच्चा कंप्लीट मैच्योर्ड और सक्सेसफुल स्टूडेंट बनेगा। थैंक यू।